एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और टाइम हो रहा है दोपहर के 12, तो गुड आफ्टरनून। सॉरी आज व्लॉग लेट शुरू करा है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हम मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के, और ये बैठी मम्मी। मम्मी जो है अभी इधर लहसुन प्याज टमाटर वगैरह छील रही, बिकॉज हमारे घर में आ रहे हैं आज गेस्ट। और क्या बोला मम्मी, क्या करना? वो बच्चों की चीज है, चक्कू नहीं, वहाँ पे नहीं है, वो मैंने सारा साफ कर लिया था। हाँ जी गाइस, तो मैं आपको बता देती हूँ हमारे घर में आज कौन आ रहा है। मेरे हमारे घर जो आ रहा है, मेरी सिस्टर आ रही है, ठीक है, उसके सास ससुर आ रहे हैं आज, और उसका देवर भी हो सकता है। तो बस वो लोग आ रहे हैं, तो बस उनकी तैयारी चल रही है। काम सारा घर का ऑल सेट हो चुका है। एक चीज़ और, भाभी मेरी गई है अपने घर मायके, वो कल गई थी सैटरडे को, तो शायद हो सकता है कि वो आज आ जाए। वो भी चलो, मेरे भाई की सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो वो कल दो दिन के चली जाती है। अदरवाइज वो डे मतलब ज़्यादा हर शनिवार इतवार नहीं जाती, कभी कभी जाती है। वो इस बार इसलिए चली गई क्योंकि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, तो मैं थोड़ा घर का ध्यान रख लेती हूँ, इस वजह से वो बेफिक्र होकर गई है। और ऐसा होना भी चाहिए भाई, पानी क्यों देने फेंक दे, ऐसा होना भी चाहिए। और मम्मी मेरे को बोल रही है पानी क्यों दिया है। पानी इसलिए दिया है क्योंकि लहसुन प्याज के जितने भी छिलके वो पानी में डाल दिए, वो तो उड़ेंगे नहीं, ठीक है, इसलिए इस वजह से। और मैं आपको दिखा देती हूँ, आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है, देखो धूप निकली है आज। और वो आ गए पापा और मेरा भाई, देख सकते हैं आप। बच्चों की साइकिल में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, एक्चुअली पीयूष की जो साइकिल है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसके ना टायर की हवा निकल गई थी, तो वो भरवाने गए थे, वो हो चुकी है। और चलो गाइज, अभी आज तो बहुत काम है भाई, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। और आज घर में बनेगा चिकन, तो वो भी पापा बनाएंगे मेरे, बहुत टेस्टी बनाते हैं। और गाइज एक चीज़ और, मैं एक्चुअली उसे मेरा जो लास्ट व्लॉग था उसमें मैंने ना अपनी जो चिकन की जो रेसिपी, एक्चुअली जो व्लॉगिंग है, जो क्लिप्स है, वो मैंने डाली थी। वो पता नहीं कैसे एडिटिंग करते वक्त या अपलोड, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, आई डोंट नो, वो मेरी जो वो जो क्लिप थी ना उसे डिलीट होगी, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और सॉरी, अभी मैंने वहाँ से ना बर्तन, थोड़े से बर्तन है गंदे हुए, और मेरा जो फेस है वो काला हो गया। और ये रही मम्मी। मम्मी हेलो गाइस, थोड़ा तेज हेलो गाइस। मम्मी को पापा काम देके गया कि ये काम बैठ के करो तुम, बाकी चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद। हाँ जी गाइस, वी आर बैक, मैं आ चुकी हूँ वापस। इधर ये रहे पापा, ये बना रहे आपकी वही स्पेशल चाय, और तो मम्मी चिकन साफ कर रही है, काम हो गया सेट। पापा जब अभी नहाएंगे धोएंगे फिर बढ़िया वाली महंगे सुंदर है ना पापा? नहीं नहीं। और ये मैंने लगाई है अपने पापा की कैप, अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है। क्या चाहिए पापा तुम्हें? अरे भैया दोनों जने ऐसे चिल्लाने लग गए मेरे ऊपर, एक एक साथ ही। ओके ओके ओके, इन्होंने ना मेरी आंख तो दिख भी नहीं रही। ये लो उधर ही पीस लेती, उधर ही रख के इधर जरा। चलो गाइस मैं अभी मिलती हूं आपको 2 मिनट बाद मेरा काम करने के बाद। हमारी मौसी आ चुकी है, मेरी बहन भी आ चुकी है, सारे आ चुके हैं। तुम तो करवा सो। और ये हमारी मौसी जी। मौसी जी बढ़िया लग रहा है आके? आइए, गुड लग रहा है। मौसी हमारी बहुत बढ़िया है, चल चल ये बैठे सारे। और पंक्ति है पंक्ति, हेलो गाइस, हेलो हेलो गाइस, हेलो। सब यहाँ खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। ये रे बाहर प्रिंस आते बीमार हो गए, तो भैया रजा थक गए ना, कारक है नहीं, दोनों भाई नाम से कभी कभार पीते नहीं। और ये हमने एक बाहर से बुलाया खाना पीना बनाने के लिए, कुक बनाया, कुक। चलो अब हम मिलते हैं आपसे थोड़ा सा नाश्ता पानी करके, उसके बाद आप भी खाइए। ये हम खा रहे हैं यहाँ पे चिकन मोमोज, चिकन सलामी, लड्डू भी, भी। चलो गाइस मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद। और अंशु की आंख में क्या हो गया? अंशु मसाला गिर गया। चलो ठीक है, बढ़िया,
चलो गाइस मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद। गाइस सब लोग जा रहे हैं और सबने खाना पीना खा लिया। पानी की बोतल ले ले, शादी से भर ले। मौसी जा रही है, पार्टी हो गई, फिर मिलेंगे आके। है ये लाली है, लाली भी जा रही, सलाद रखा है, सलाद खा लो। ये जा रही है अपने घर। और ये रांशु जा रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा यार आना। ये भी जा रही है, क्यों छिपकली 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 वहाँ छिपकली पड़ी है और उसके ऊपर चढ़वा रहे मुझे। जेल में बैठे। बाय पंती। विदा करके बाय। ठीक है बाय बाय, जय राम जी की। ठीक है बाय बेटा, बाय, शुभ लक। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। यहाँ चल रही है चाय। मम्मी को आवाज दे दियो। अंशु और पीयूष जा रहे नीचे साइकिलिंग करने और यहाँ बज चुके हैं शाम के 5:15। जैसे कि आप सबको दिख रहा है चाय का टाइम हो गया। ये है मठियाँ और नमकीन बिस्किट, क्योंकि मेरे से खाली चाय मुझको नहीं पिए जाती। और चलो मैं आपसे मिलती हूँ चाय पीने के बाद। और बाहर मौसम बहुत सुहाना हुआ है जैसे कि आप सब देख रहे हैं। पापा यहाँ लेटे हैं, यहाँ पे घर का सारा का माहौल साफ, मतलब गोल्ड, सब कुछ साफ सफाई हो गई है। मैं मिलती हूँ आपसे चाय पी के। मम्मी भी आ गई है यहाँ पर, हम पी रहे हैं चाय। घर में चल रहा है क्राइम अलर्ट। अरे भाभी ये क्या, मजा आ रहा है चाय पीने में। आप सभी पी लो गाइस, बहुत अच्छी चाय। चलो मैं मिलती हूँ अभी आपसे 2 मिनट बाद। हाँ जी, चाय हमने पी ली है और बतूर से बर्तन है वो धोने हैं, फिर किचन की साफ सफाई है। और आज जो खाना है वो शाम का, आज नई सब्जी तो नहीं बनेगी, खाली रोटियां बनेंगी। क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि आज हमारे घर पर गेस्ट आए थे तो हमने उस टाइम पे सब्जी बनाई थी, चिकन बनाया था, तो वो काफ़ी बचा हुआ है और बस खाली रोटियाँ बनानी है। तो मतलब फ्री है अभी हम, और बच्चे जो यहाँ पे गए, बच्चे जो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये हमारी सोसाइटी का व्यू है सारा, आपने पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखा है। और अंशु पीयूष भी नीचे खेल रहे हैं। नहीं, अंशु पीयूष वो रहे, वो बैठे दोनों दिख रहे होंगे आपको, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। गोरे अंशु पीयूष दोनों बैठे हुए हैं। और जो हमारे कॉलोनी के गार्ड अंकल है वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, शैतानियाँ करते रहते हैं, वो भी बच्चों को छेड़ते रहते हैं। और मंदिर येरा भी, मंदिर में आरती होने वाली है, अभी आरती हुई नहीं है अभी, क्योंकि आरती का टाइम नहीं हुआ है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, बस इतने से बर्तन हैं और ये चाय वाले बर्तन हैं। तो अभी इनको हम एक मिनट में साफ कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट में साफ होके। और सारा काम मेरा ऑल सेट, बाकी देख सकते हो रसोई बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। एक बात और, भाभी ने आज आ जाना है, भाभी कल गई थी तो आज उन्होंने आ जाना है और वो शाम तक आएंगी। और भाभी के बिना घर बिल्कुल भी अच्छा लग रहा, बड़ा सुना सुना लग रहा है। मेरा टाइम पास तो भाभी के बिना नहीं होता, हो ही नहीं रहा। चलो गाइज आप लोग देखो यहाँ पर बैठ के
अभी मैं धोती हूँ बर्तन 2 मिनट में। फोन थोड़ा सेट करना पड़ेगा। यस हम 1 मिनट में बर्तन धो देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे जो काम की स्पीड है ना वो बहुत तेज है। मैं मिनटों में घर का काम कर देती हूँ। थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा नहीं है। हाँ जी गाइस, और जैसे कि मैं आप सबको बताती हूँ मेरे बर्तन धुल चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, रसोई पूरी मेरी सेट है और मौसम बड़ा औसम हो रहा है। और बस बहन आई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि वो कहीं पर आए थे, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो हमसे मिलके जाएं वो लोग, तो वो लोग आ गए हम लोगों से मिलने। और बस थोड़ी देर तक तो घर में बड़ा शोर शराबा था क्योंकि लोग थे, अब सब शांत हो गई हैं तो थोड़ा दिल सा नहीं लग रहा। और ये पापा हमारे शाम के टाइम सो रहे हैं, ये मम्मी बैठी है, मम्मी इस टाइम देख रही है क्राइम अलर्ट्स, सावधान इंडिया क्राइम अलर्ट्स, ये सब चलता रहता है। यहाँ मैं बैठ जाती हूँ अब आप लोगों से थोड़ी सी बातें करने के लिए। फोन कर देते हैं हम अपना यहाँ पर सेट। हाँ जी गाइस, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी ब्लॉगिंग कैसे करती हूँ, अच्छी करती हूँ या बुरी करती हूँ, मुझे नहीं पता। बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है, बस मैं कंटिन्यू वो कर ही जा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, प्लीज़ सपोर्ट मी। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे अब तक इतना सपोर्ट कर रहे हो। आपने मुझे इतना सा सपोर्ट किया तो मेरी इतनी कोशिश हो गई है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अगर इतने लोग मेरे से जुड़ चुके हैं तो मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। और बाकी मैंने अपनी और सब वीडियो में बताया कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री। अगर आप लोग जानना चाहते हो वो कहाँ रहते हैं, क्यों गए हैं, क्या रीज़न था, तो प्लीज़ यार थोड़ा बहुत कमेंट करा करो ताकि मैं उस पर व्लॉग बनाऊँ। बस मेरे हस्बैंड का थोड़ा टाइम रह गया आने में, बस जैसे ही वो आएंगे वो भी मेरे साथ ही व्लॉगिंग मेरे साथ करा करेंगे। मेरे हर वीडियोस में आप लोगों को मिलेंगे, और जब वो आएंगे तो बहुत धमाल होगा, बहुत मस्ती होगी। तो प्लीज़ गाइज मुझे इस तरह ही सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को अपनी कहानी आप तक पहुंचा सकूं। मेरी बस यही है, मेरे हस्बैंड को गए हुए 2 साल हो गए हैं, और 2 साल ये कैसे कटे हैं मैं ही जान सकती हूँ। कोई बात नहीं, घर की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो इंसान को करनी पड़ती है, तो बस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। बाकी बस आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। बस बैठे हैं, भाभी आने वाली है, बस आपसे इतना ही कहना था, बाकी आप सबकी मर्ज़ी है। अगर जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, आते हैं मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आप लोगों को मेरी किसी भी वीडियो में कोई कमी या कोई नुक्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं। और बस कुछ नहीं कहना चाहती, बाकी आप लोग बहुत अच्छे हो जो मुझे इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। बाकी बस बैठे हैं अपनी बालकनी में, और बेचारे यहाँ पर भी कितने लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जो हमारा जो घर है वो ना एक्चुअली ना कुत्ते भौंक रहे हैं और बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है। पता नहीं इनको भी ना क्या नज़र आ जाता है, क्या नहीं, पागल ही हो गए दिन, पता नहीं क्या हो गया, कुत्ते क्यों भौंक रहे इतना। इन कुत्तों का ना इलाका है ना, जैसे बी विंग वाले कुत्ते अगर इधर आ जाते तो ए विंग वाले भोगता है, जो ए विंग वाले बी विंग में चले बी विंग वाले भोगता है। इन कुत्तों का इलाका है। मैं आपको एक बार सारा नज़ारा दिखाती हूँ अपनी बालकनी से।
क्या हुआ मम्मी से नाटक में क्यों मार रहे हैं? पता लग गया सबको है? तो बैठ ही बतलाती है ये तो है। मैं तो शुरू में पहली स्टोरी बता दी थी कि आगे क्या होने वाला है। दिमाग मेरा बहुत तेज है भाई। कोई भी सीरियल शुरू होने से पहले अगर मुझे उसमें से कोई भी हिंट पता लग जाती है ना, मुझे पता लग जाता है कि भैया आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, तो मैं पर्दाफाश कर देती हूँ। मैंने मम्मी को पहले ही बोला था। अरे मम्मी तुझको अरे पहले ही बोला था ना हुई वो बात देखा नीचे। मम्मी ना अंशु पीयूष के पीछे ही पड़ रहती है। वो जैसे नीचे जाते हैं ना उनको देख गिर ना गए ये ना होगा। मम्मी तो परेशान कर देती है। देख ही लेते हैं चलो भाई क्या कर रहे हैं। वो दोनों खेल रहे हैं आराम से बच्चों के साथ खेल रहे हैं भाई। पापा सो रहे हैं। पापा की खराटों की आवाज सुनाओ। पापा तो घोड़े हाथी घोड़े सब बेच के सो रहे हैं। इतनी तेज़ खराटे ले रहे हैं कुंभकर्ण की तरह। बस सारे बढ़िया। एक्चुअली ना मेरे मुंह से ना पंजाबी निकल जाती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मेरी जो शादी है वो पंजाबी फैमिली में हुई है भाई। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। चौथे साल मेरी शादी चल रही है और नेक्स्ट मंथ जो मेरी एनिवर्सरी है तो पंजाबी बोलनी नहीं आएगी मुझे, थोड़ी बहुत तो आएगी। कोई नहीं कोई आनी भी चाहिए भाई, आनी भी चाहिए। चलो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर तक। मैं थोड़ा काम वगैरह वो कर लूँ और वैसे काम तो कुछ है नहीं, फ्री है। थोड़ा सीरियल है भाई मैं भी देख लूँ, मनोरंजन कर लूँ मैं भी थोड़ा सा अपना। चलो गाइस मिलते हो अभी आपसे 2 मिनट में। चाय पीने के बाद और बर्तन धोने के बाद और थोड़ी देर सावधान इंडिया देखने के बाद हम लोग पी रहे हैं गर्म पानी, मैं और मम्मी, क्योंकि सर्दियों में गर्म पानी बहुत फायदेमंद चीज है। ये रही मम्मी। मम्मी हाय हाय करती रह और कुछ बोल भी लिया करो। और क्या बोला है, पानी पी रहे हैं वाटर वार्म वाटर। और पापा हमारे सोते सोते बड़बड़ा रहे हैं और बाहर अंधेरा हो चुका है। अंधेरा 7 बजे होता है मम्मी, अब टाइम में फर्क हो गया है ना। पहले जब भरी बहुत ठंड थी है ना तो 5 बजे मतलब अंधेरा स्टार्ट होने लग जाता था ना। अब 6:15 हो गए और अभी भी बाहर जैसे आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत तो भी रोशनी मतलब दिन है। आप सब भी पी लो पानी। मम्मी है ना, एक तो मम्मी ना कुकिंग चैनल देखती रहती है, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी साउथ इंडियन वगैरह पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। मम्मी देखती रहती है न्यू डिश। मम्मी न्यू डिश सीखती है पर उसका फायदा ये है कि बनाती कुछ है नहीं। हाँ जी गाइस मैं वापस आ गई हूँ और ब्रेकफास्ट करी, सॉरी डिनर मैंने कर लिया है और मैं अब आई हूँ नीचे वॉक करने, क्योंकि मेरी डेली रूटीन है रात को डिनर करके मैं पूरा 1.5 घंटा वॉक करती हूँ, जो कि हमारी शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मैं ही नहीं, यहाँ पर बहुत लोग हमारे कॉलोनी वाले जो है घूम रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, सब लोग वॉक कर रहे हैं और बस अपने आप को स्वस्थ रखिए। और मेरे को 1-2 साल हो गया डेली इसी तरह मतलब रात को डिनर करके मैं रोज़ 1.5 घंटा घूमती हूँ। और वो रहा मेरा घर। बस यार
हस्बैंड को मिस करती हूँ बहुत, क्योंकि पहले वो और मैं दोनों साथ ही वॉक करते थे। और चलो कोई नहीं, 8-9 महीने और हैं, फिर साथ में दोबारा वॉक करेंगे। भाभी अभी तक आई नहीं है, उनको ही देख रही हूँ, अभी तक आई नहीं है। चलो कोई नहीं, आ जाएंगी। भाई गया उनको लेने के लिए। बस वॉक चल रही है यहाँ पर मेरी। और मम्मी पापा अंशु पीयूष सब ने डिनर हो गया है सबका, सब ने खाना अच्छे से खा लिया। मैं उनको बोल के आई हूँ कि मैं नीचे वॉक करने जा रही हूँ, तो सोचा कि आज मैं अपने दोस्तों को ही बताऊँ कि मैं रोज़ वॉक करती हूँ। और वैसे करनी भी चाहिए, क्योंकि इससे ना ये होता है कि अगर हम लोग खाना खा के रात को और एकदम बिस्तर पर लेट जाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता उसका, और बहुत से लोगों तो गैस वाली प्रॉब्लम भी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो चाहे आप नहीं बाहर आ सकते तो आप अपने घर में ही वॉक कीजिए, सैर कीजिए। और खाना खाने के बाद जो है आपको बिस्तर में कम से कम 1-1.5 घंटे बाद घुसना चाहिए। खाना खा के तो बिल्कुल नहीं, पेट ख़राब हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता, पाचन क्रिया भी हमारी ख़राब होती है उससे। बस वॉक कर रहे हैं, कुत्ते भोग रहे हैं। बस अकेले टाइम पास नहीं होता है ना, कोई नहीं, आप लोग हो ना मेरे साथ, आप लोगों से बातें करूंगी। भाभी होती है ना, भाभी से भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, भाभी से भी बातचीत करती रहती हूँ, और मतलब उनके साथ अच्छा लगता है मुझे। चलो कोई नहीं, भाभी ने भी आ जाना है। भाभी के बिना तो घर में अच्छा भी नहीं लग रहा था, मतलब ऐसे शांति से हो रही है। भाभी होती है ना, तो आपने देखा ही है मेरे ब्लॉग्स में पीछे शोर आता रहता, भाभी की आवाज़ आती रहती है। चलो जी वॉक कर लूँ मैं थोड़ी सी और।